रुको तो थोड़ा, मुझे थोड़ा उसका टीम देखने दो, मुझे कुछ झोल लग रहा है। उरे बाप रे, बिल्ड अप प्लेयर है एमएफ में। कैमरा वो कैमरा वो शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया मां, ये दुनिया बहुत खराब है मां, थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा आ रहा हूं। तो मेरे भाई कोनामी ने रिसेंटली 3 फ्री एपिक कार्ड हम सबको दिया है। हाँ वही इंटू विंटू चिंटू जो मैंने बात किया था उसमें से ना ये वाला कार्ड का स्टैट्स थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस अकेले कार्ड का फिनिशिंग बेंजेमा, एम्बापे, रोनाल्डो, मेसी सबसे ज्यादा फिनिशिंग है। कितना? 94 कुछ भी ऊपर से 91-93 तक किकिंग पावर चला जा रहा है। हाँ भाई What? तो आज हम इसी कार्ड के ऊपर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, इस कार्ड का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इस कार्ड को लेके मैं डिवीजन में खेलूंगा और देखेंगे इस कार्ड का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या ये कार्ड आपके मेन टीम में जगह बनाने का दम रखता है या फिर नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले हम लोग अगर इस भाई साहब के स्किल के बारे में बात करें तो दुनिया भर के जितने भी शूटिंग स्किल है भाई साहब के पास सब है, ठीक है। ऐसा कोई स्किल नहीं है जो इनके पास ना हो, डीपिंग शॉट छोड़ के, ठीक है। बाकी दुनिया भर के स्किल इनके पास है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, ना पासिंग स्किल है ना ड्रिबलिंग स्किल है, कुछ नहीं कर सकते बस पकड़ के शूट करने के सिवाय। हाँ भाई, और इनका जो बूस्ट आपको मिलेगा वो है फिनिशिंग के ऊपर, बॉल कंट्रोल के ऊपर, किकिंग पावर के ऊपर और फिजिकल कांटेक्ट के ऊपर, ठीक है। और मैंने अपना स्टैट्स दिया है, ठीक है, तो आप लोग ये स्टैट्स कॉपी मत करना। मैंने 90 फिनिशिंग दिया है, आप लोग चाहे तो 94-96 जो भी देना है दे सकते हो इसको, ठीक है। मेरे फिनिशिंग में 90 फिनिशिंग एनफ लगता है मुझे, तो मैं 90 फिनिशिंग ही रखता हूँ, बाकी स्टैट इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो 93 किकिंग पावर आप देख ही सकते हो, दूर से पेल देगा, तो ऐसा कुछ सिस्टम मैंने बनाया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये भाई साहब मेसी से भी ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो इनको सीएफ में रख के क्रॉसिंग करके इनका इज्जत मत उछालिएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा रिस्पेक्ट करके नीचे ही बॉल दीजिएगा। तो अब अगर इस कार्ड का डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो वो बहुत भयंकर है, क्योंकि यार ये बंदा का नेटवर्क बीच बीच में गायब हो जाता है, क्योंकि यार जिस टाइम रन बनाना चाहिए ये स्टॉप हो जाते हैं, ये बीच बीच में मैच के बीच बीच में स्टॉप हो जाता है, किन दुनिया में खोए रहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, इस कार्ड का ये तो प्रॉब्लम मुझे दिखा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, भाई के पास बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग कुछ नहीं है। तो यार इनका तो फर्स्ट टाइम रिसीव तो घटिया होना ही था, हालांकि जैसे इनका घटिया है तो अगर आप इनको सिर्फ बॉल पकड़ के शूट करने की कोशिश करोगे तो इनका इतना घटिया पास रिसीव देगा जो आप देख के इनको सब में रख दोगे, कोई बात नहीं। और तीसरा जो चीज़ है भाई, ये बंदे के सामने अगर 6 फुट के डिफेंडर आ जाए ना, और अगर इनसे उस डिफेंडर का थोड़ा सा तूतू मैं हो गया तो भाई ये शूट ही नहीं कर पाएंगे। लिटरली अगर टच भी लग जाए इनका बैलेंस खो जाएगा और ये गिर पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे भयंकर जो प्रॉब्लम है वो है 90 फिनिशिंग के बाद भी ये गोल पोस्ट के बाहर मारता है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे देखो 2-3 बार इन्होंने गोल पोस्ट के बाहर फेल दिया है। हाँ, तो कुछ ये यहाँ पे मेरे दिमाग से पड़े है, लगता है इनका 90 फिनिशिंग कम लग रहा है, इनको 95 और 94 फिनिशिंग ही देना पड़ेगा इनको, नहीं तो ये चलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन इनका एडवांटेज है, अगर इनका फिनिशिंग चल गया भाई जाल फाड़ देगा कुछ ऐसे, ठीक है, देखा कैसे जाल फाड़ रहा है। तो हाँ, चलो इस कार्ड से अब हम डिवीजन में खेलते हैं और देखते हैं क्या इस कार्ड से हम डिवीजन में विन कर पाएंगे। और मैं आपको मेरा जेन्युइन रिव्यू भी अंत में दूंगा कि आपको ये कार्ड यूज करना है, इनको स्किल देना है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा पहला जो ओपोनेंट है वो है डिवीजन 2 वाला। तो पहले हम हमारे हीरो को फील्ड में उतार लेते हैं और ओपोनेंट का टीम देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये क्या टीम है भाई, इधर से गोल करूंगा या गोल खाऊंगा भाई साहब, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे मैंने सिंपल से जगह बनाने की कोशिश की, यहाँ पे पास रूमी KDB पास शूट, भाई मिस हो गया यार, भाई पहला शॉट ही मिस, ठीक है कोई ना, नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पेस मिला, भागो भाई, अरे नहीं भाई छोड़ो, तुम्हारा आत्मा निकल जाएगा इतना भागने से। और सिंपल यहाँ पे क्या थ्रू मिलेगा, भागो, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, एक पास और भाई सब पहला गोल हमारे हीरो ने हमको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कर पाऊँ, अगर क्रिएट कर पाऊँ तो, ओहो अच्छा शॉट था भाई,
तो इसी के साथ ही हम लोग पहला मैच जीत गए। पूरा भाई मैच में ओपोनेंट ने डोमिनेट किया और हमने लकीली ये मैच निकाल लिया। और सेकेंड मैच भी ओपोनेंट डिविजन 2 का है और सेकेंड मैच में हम लोग क्या करेंगे, 2 CF नहीं खेलेंगे, फॉर्मेशन को चेंज करेंगे, सिंगल CF में खेलेंगे। तो चलो हम टीम को पहले बिल्ड कर लेते हैं। और तो ठीक है, टीम भी बिल्ड हो गया, अब देखते हैं इस मैच में क्या ही कर पाते हैं। यहाँ पे पास, डबल टच, पास क्या हो पा, अरे नहीं हो पाया। अरे यहाँ पे देखो, सिंपल अंदर जाओ, रोटेशन करो, पास मेसी, टर्न, शूट, ओहो भाई क्या ही गोल मार दिया रे, टर्न करके भाई, स्मूथ टर्न था यार, ये स्मूथ था भाई, ठीक है, ये स्मूथ था मैं बोल सकता हूँ इजीली। और इस मैच में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, ठीक है। पूरा मतलब मिडफील्ड में गेम शुरू हुआ, मिडफील्ड में ख़त्म हो गया और हम लोग ये मैच 1-0 से जीत गए। तो हाँ, अगर आपके पास 5-स्टार एक भी अच्छा प्लेयर नहीं है तो आप इस प्लेयर को खिला सकते हो, लेकिन यार अगर आपके पास प्लेयर अच्छे हैं जो अच्छा फिनिशिंग, अच्छा शूटिंग कर सकते हैं और 5-स्टार भी ढंग के प्लेयर भी है तो भाई इसको मत खिलाना। मैं बहुत मुश्किल से इस प्लेयर के साथ खेला हूँ, जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लिटरली बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा अगर आप इस प्लेयर के साथ खेलो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्लेयर को। हाँ, मज़े के लिए हो तो खेल सकते हो, लेकिन नहीं भाई।